अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। आज हम आपको जिंजर चिकन बनाना सिखाएंगे बोनलेस। आप इंग्रेडिएंट्स नोट करिए। देखिए, मैं चिकन जो है धो के कट करके रखा, 700 ग्राम लिया हमें, और एक अंडा लिया। इंग्रेडिएंट्स जो है आप नोट करिए, और सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर, एक एग शामिल करेंगे इसके अंदर, वन टीस्पून जो है सॉल्ट मिला रहा हूं इसके अंदर में। चार टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिला रहा हूं। वन टीस्पून ब्लैक पेपर मिला रहा हूँ इसके अंदर, काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको रखेंगे कोटिंग करके अच्छे से। ये मैरिनेट होने के लिए रख दूंगा मैं इसको 15 मिनट के लिए। देखिए, हम 15 मिनट रख लिए थे, अब इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अभी ये देखिए इस तरह से तल लेंगे हम, पूरे तल के बताएंगे आपको। लहसुन डाल रहा हूँ मैं, ये अदरक डाल रहा हूँ, थोड़ी सी अदरक डाल रहा हूँ। लहसुन की जो है 4-5 पोतियाँ डाल रहा हूँ मैं कट करके। अदरक थोड़ा सा लहसुन डाला हूँ, तो अदरक और इसके प्याज, थोड़ी सी प्याज डाल रहा हूँ। आप चाहे तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ग्रीन आनियन डाल रहा हूँ मैं इसमें, थोड़ा कलर आने के लिए। सोया सॉस डाल रहा हूँ, 2 टेबल स्पून डालूंगा इसके अंदर। 2 टेबल स्पून विनीगर डालूंगा, ब्लैक पेपर डालूंगा मैं इसमें। और 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर को जो है पानी में मिक्स करके रख लिया था, घोल के रख लिया था। नमक डालेंगे जायके के हिसाब से, क्योंकि चिकन में भी जो है मैं डाला था, अभी जायके के हिसाब से नमक इसमें मिक्स करेंगे। ये चिकन जो है फ्राई करके रखा था मैं, चिकन जो है मिक्स कर देंगे इसमें। थोड़ी सी चीनी मिक्स करेंगे,
अभी कंप्लीट हो गया, अब इसकी डिश आउट करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत मेरे मुंह में तो समंदर की तरह जो है इसकी खुशबू से जो है पानी आ रहा है मेरे मुंह में, समझे आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, रेडी हो गया। मैं इसको डिश आउट करके बताऊंगा आपको। देखिए बन के आ चुकी है डिश टेबल पे, बहुत ही अच्छी है। और ये जो है असल जो है डिश है, ये कोरियन और चाइनीज़ की डिश है। ये इसको जो है इंडियन टच देके बनाए हैं, बहुत ही लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई करिए, बच्चों को और बड़ों को पसंद आएंगे। एक नई डिश के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक इजाज़त देगी कुकिंग एक्सपर्ट हाजी सैयद को। Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel and also activate bell icon to get latest videos.